चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ा अपडेट आपको बता दे चित्रकूट से, जहां अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की खबर का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दे कि चित्रकूट जेल में लापरवाही पर डीजी का बड़ा एक्शन लिया गया है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को बिना रजिस्टर में एंट्री करे मुलाकात करने दी गई। इसके लिए अब बड़ा एक्शन जो है डीजी ने लिया है। जेल अधीक्षक अनिल सागर को सस्पेंड करने की बात जो है कह दी है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन में यहाँ पर प्रशासन नजर आया है। आनंद कुमार ने सस्पेंड के लिए शासन को लिखा था पत्र, जेलर और डिप्टी जेलर को भी सस्पेंड किया गया है। स्ट्रिक्ट मोड में यहाँ पर अधिकारी और प्रशासन नजर आ रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल था, और ऐसे में तुरंत ही एक्शन लिया गया है। आपको बता दें जेलर और डिप्टी जेलर को भी सस्पेंड किया गया है, और जेल में अब्बास से मुलाकात की थी उनकी पत्नी ने बिना रजिस्टर में एंट्री के, साथ ही कुछ नंबरों पे उनकी बात भी कराई थी। तो ऐसे में बड़े लापरवाही का मामला ये सामने आया था, और कई सवाल भी खड़े कर रहा था कि इतने अधिकारियों के होते हुए भी कैसे उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात की। तो बड़ा एक्शन उन्होंने इस वक्त लिया है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी उनसे मिलने गई थी बिना एंट्री करे, बिना किसी से इजाजत लिए। अब जो है इस केस पर स्ट्रिक्ट हो गई है पुलिस और जो भी अधिकारी है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अर्पिता, विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अब्बास की जो पत्नी थी निखत अब्बास, वह मिलने गई थी मुख्तार अब्बास से। जी हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है अविनाश। जी जी बिल्कुल, जी अस्मिता बिल्कुल, आपको बता दें विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अब्बास जेल गई थी मिलने अब्बास अंसारी से। उसके बाद जो आवाज है, जी चलिए, अब्बास अंसारी की पत्नी उनसे मुलाकात करने गई थी बिना किसी परमिशन के, बिना एंट्री किए। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी लापरवाही क्यों, उन्हें किसने उन्हें इजाजत दी थी कि जेल के अंदर जाए और मुलाकात करे। तो अब ऐसे में जो अधिकारी है, जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी है, उनने स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाया है, कई सारे लोगों को सस्पेंड किया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां अब्बास अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी जो है उनसे मिलने गई थी जेल में, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। पता जब चला तो बड़े सवाल यहां पर सामने आए थे कि आखिर किसकी इजाजत से वो उनसे मिली, अगर मिली भी तो उनकी एंट्री रजिस्टर में क्यों नहीं है, और क्यों उन्होंने उनकी बात करवाई जब उनके फोन की चेकिंग की गई तो कई अधिकारियों से उन्होंने बात की थी। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे संवाददाता अविनाश कुमार साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत जो है उनसे मिलने गई थी जेल में, और बड़े सवाल यहाँ पर इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तो पहले किसी से परमिशन नहीं ली, बिना रजिस्टर में एंट्री किए वो अंदर चली गई। तो ये इतना हुआ कैसे, क्या इन सबकी मिली भगत है पुलिस में जो थे अधिकारी उस वक्त और उनकी पत्नी की? जी अस्मिता बिल्कुल, आपको बता दें विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अब्बास जेल मिलने जाते हैं अब्बास अंसारी से, और बिना रजिस्टर में एंट्री किए अंदर पहुंचती हैं। अब्बास की पत्नी जो निखत के मोबाइल भी लेकर पहुंच जाती हैं जेल के अंदर, कई ऐसे होते हैं जेल के अंदर पहुंचने के बाद उस मोबाइल से अब्बास की कई लोगों से बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेल के जो लोग हैं, जो जेल अधीक्षक है, तो इनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जेल के इतनी चेकिंग होने के बाद भी मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा और रजिस्टर में नाम नहीं, तो एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस पर। और जिस तरीके से देखा जाए कि अंदर मोबाइल पहुंचना और अब्बास अंसारी की कई लोगों से बात होना, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो जेल अधीक्षक है और जेल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं पुलिस, उस पर काफी लापरवाही सामने आई है। जी जी बिल्कुल, और कई लोगों को यहाँ पर सस्पेंड भी किया गया, उनके बारे में भी हम हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए अविनाश, कि किन किन को सस्पेंड किया गया और किसके खिलाफ और कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये संज्ञान में मामला डीजी जेल आनंद कुमार के आता है, सस्पेंशन के लिए एक पत्र लिखा जाता है। उसके बाद फिर जो जेलर है वहाँ के अनिल सागर को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो
कई अधिकारी होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं पुलिस वाले, जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मामला सामने के आज संज्ञान में आने के बाद जो अनिल सागर हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और कई जो लोग हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है कर्मचारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट आपको चित्रकूट से दिया हमने, जहाँ अब्बास अंसारी केस में पुलिस का सख्त रवैया देखने को मिला। जो भी अधिकारी थे उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और वाकई ये काफी ज्यादा बड़े सवाल भी खड़े करता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर कैसे उनकी पत्नी अंदर चली गई और वो भी बिना किसी रजिस्ट्री के, बिना रजिस्टर में अपनी एंट्री किए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है।